मास्टर भी कह दे इससे न पढ़ाना, नाम है इसका अमित भड़ाना। ऐसे ही डायलॉगों से मशहूर हुए अमित भड़ाना आज उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं जिस ऊंचाई तक पहुंचने की कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का फ़ायदा उठाते हुए आज सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले अमित भड़ाना एक सक्सेस वाइनर हैं। और इसी तरीके से अमित ने सबको खूब हंसा हंसा लाखों अपने लॉयल फैंस बना लिए हैं। तो इसी के साथ ही आइए जानते हैं अमित भड़ाना की जिंदगी के बारे में। अमित भड़ाना का जन्म 7 सितंबर 1994 को जौहरीपुर दिल्ली में नरेंद्र भड़ाना और मुनीष देवी के घर हुआ था। अमित ने अपनी स्कूलिंग यमुना विहार के एक स्कूल से की। अमित बचपन से ही एक नोटी और हसमुख बच्चे रहे हैं और स्कूल में भी वो बाकी बच्चों और टीचरों को खूब हंसाया करते थे। अमित ने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो उसके बाद में ग्रेजुएशन की और लॉ की पढ़ाई पूरी की। और फर्स्ट ईयर की छुट्टी के दौरान अमित ने एक डबिंग वीडियो बनाई। अब वीडियो तो बना ली लेकिन वो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करने से डर रहे थे। अब दोस्तों इसकी वजह अमित ये बताते हैं कि जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस फैमिली के अंदर आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन डरते डरते और पीछे का ख्याल न करते हुए अमित ने वो वीडियो फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट कर दी। और दोस्तों इस वीडियो से अमित को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कुछ ही दिनों के अंदर इस वीडियोस पर 3 से 4 हज़ार के करीब व्यूज आ गए और बहुत सी लाइक और कुछ बहुत से कमेंट भी आए। और इससे अमित का कॉन्फिडेंस बढ़ा और यहीं से अमित अपनी वीडियो बनाने की शुरुआत कर बैठे। और जब उसके चाहने वालों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर फिर अमित ने अपना फेसबुक एक पेज भी बना लिया और वो इस पर अच्छी अच्छी वीडियोज बनाकर अपलोड करने लगे। और इसी दौरान उनकी वाटर फ्रेम की डबिंग वायरल हो गई और उस पर उस समय 4 मिलियन व्यूज आए। लेकिन डबिंग वीडियो बना बनाकर अमित पक चुके थे और वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। इस पर उनके एक दोस्त ने वाइंस वीडियो बनाने की सलाह दी। फिर अमित ने अपने कुछ और दोस्तों से इस बारे में मशवरा किया और सभी दोस्तों ने ये कहा कि आप बहुत अच्छी वीडियोज बना सकते हो। इसके बाद में अमित ने वाइंस वीडियो बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन अमित बाकी कुछ वाइनर से बहुत सा अलग करना चाहते थे क्योंकि बाकी वाइनर से जो वीडियोज़ बनाते थे उनको अपने परिवार के साथ बैठ करके नहीं देखा जा सकता था। तो अमित ने सोचा कि मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जिनको लोग अपने परिवारों वालों के साथ में बैठकर आसानी के साथ देख सकें। फिर इसके बाद में अमित ने अपनी गुजरी भाषा के अंदर एक वीडियोज बनाई और उसे फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया। और इस वीडियो से अमित का मनोबल बना और आत्मविश्वास बढ़ा। इसके बाद में अमित ने वाइंस वीडियो बना करके अपलोड करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अमित के फॉलोवर्स और फैंस बढ़ने लगे थे। इसको देखते हुए अमित ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और उनके घर वाले इस बात को कहने लगे कि तू इन सब फालतू चीज़ों को छोड़, इनमें कुछ नहीं रखा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब उस समय अमित के सामने दो रास्ते थे, या तो वो पढ़ाई करके और कोई जॉब करते या इसी तरीके से वीडियोस बना करके और लोगों को हंसाते। ऐसे समय में उनकी छोटी बहन और उनके कुछ दोस्तों ने उनका पूरा सपोर्ट किया और अमित ने अपने पैशन को चुनते हुए फनी वीडियो बनाने का फैसला किया। अब अमित ने अपनी वाइंस पर पूरा ध्यान दे दिया था। धीरे धीरे अमित बहुत पॉपुलर होने लगा और अमित बहुत फेमस होने लगा। और दोस्तों आज अगर बात करें अमित भड़ाना की तो उनके सब्सक्राइबर इस वक्त 22.4 मिलियन हैं। चलो तो 22.4 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं और उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। इस तरीके से अमित ने अपने छोटे से लेवल से उठ करके आज अमित को इंडिया के अंदर कौन नहीं जानता। तो दोस्तों ये है अमित भड़ाना से जुड़ी सारी बातें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ए रियल न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।